हाय मम्मी, वेलकम टू सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो हम लोग का सडन एक जगह पे प्लानिंग बना, स्पेशली मेरा। इसका तो जाना था ही पहले, लेकिन मेरा सडन प्लानिंग बना और हम लोग हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हम लोग का बोर्डिंग सब कुछ हो गया है और आगे देखोगे कि हम लोग लाउंज में भी खा चुके हैं आज। लॉयल्टी वाला लाउंज गए थे क्योंकि अदानी हम लोग हमारे दिल्ली वाले ब्लॉग में दिखा चुके हैं। ये है फिश और ये है चिकन कोरमा। क्या पता आज खा पाऊंगे कि नहीं। तू कैसे खा रहा है बाबा? व्हाट हैपेंड? वाइफ कॉर्न मटर, सैफ्रॉन कॉर्न मटर, सैफ्रॉन पास्ता। यू वांट पास्ता? नो। यम्मी देखा जाए जरा। दाल मेथी, वो दाल मेथी है। खाते भी चिकन मिक्स वेज और ये नॉर्मल मूंग दाल और ये पनीर हो गया। बंद कर दो क्या? मैं थोड़ा एक और वीडियो बना के आ जाती हूँ। ये पिकल्स। ये फीस लेके आया है। आई डोंट नो इसका टेस्ट क्या, टेस्ट करके बताती हूँ। डोंट नो, फीस जैसा तो लग ही नहीं रहा। तो फीस का टेस्ट कैसा है खाके बताओ, खाके बताओ ना। करवा सकते हो। इसका कुछ प्राइस है इन लोगों का। इधर कुछ अदानी वाला लाउंज हम लोग दिल्ली ब्लॉग में दिखा चुके हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग जाके देख लेना। और अभी हम लोग का बोर्डिंग सब हो गया, अभी जा रहे हैं फ्लाइट में और हम लोग जा रहे हैं एयर एशिया में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको पहुँच के दिखाते हैं। एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा सडन प्लान बना है, वो भी रात को। इसका 2 दिन पहले से प्लान बन गया था, लेकिन मेरा मतलब बहुत दिन पहले इसका प्लान बन गया था। मेरा टिकट भी कल रात को किए हैं और हम लोग मेरा पैकिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, आज ही मैंने पैकिंग किया है पूरा। तो चलो, मैंने घर से इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया कि वही सब सेम चीज़ आपको क्या दिखाऊंगी, आप लोगों को भी बोर लगेगा, तो मैं यहाँ पे आके ही बता दी। ये देखो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड सब कुछ है वो ये। ओके, बहुत भीड़ है, ज़्यादा खाली हूँ तो अभी जाके सो जाऊँ। आप लोग गैस करना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप कमेंट करो गैस करके, हम पहुँच के बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग फ्लाइट में आ चुके हैं और हम दोनों का अलग अलग सीट था, इनका 9B था नाम का और मेरा 28C था, लेकिन हम लोग का इतना अच्छा लग है कि पूरा खाली मिल गया। उधर भी पूरा खाली है और इधर भी पूरा खाली है। ये आपका ही सीट था ना? ये इनका ही सीट है? नहीं, मेरा पीछे वाला है। ये कौन सा है? अच्छा, ये 8 है। तो साथ में
आज अच्छे से ब्लॉग बनेगा क्योंकि बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ग्रे वगैरह नहीं है, बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, अच्छे से दिख रहा है। हम लोग कुछ लाए हैं आपको दिखा दे, चोर है मैं, इसका एक स्टोरी भी है, वो भी बताया, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलो अभी ये सब बंद करते हैं, फ्लाइट का मजा लेते हैं। मेरा लास्ट मोमेंट में प्लान बना, मैं इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग की हूँ, इतना जल्दी जल्दी आई हूँ अहमद बोले, कल रात को 11-12 बजे ही हम लोग टिकट के मेरे आने का, और फिर मैं पैकिंग सुबह ही की, तो पता नहीं मैं क्या पैक की हूँ मुझे भी नहीं पता है। मैं जा रही हूँ लगभग 10 दिन, हाँ 10 डेज के लिए, और ये जाने 4 डेज के लिए। ओके तो चलो आपको मिलती हूँ आगे। गाइस थोड़ा लेग स्पेस का मजा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, चलेगा फिर भी कंफर्टेबल है, चलेगा। लेकिन स्पाइस जेट का यार बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ज़्यादा सबसे अच्छा था। वो इंटरनेशनल फ्लाइट है तो इसलिए अच्छा होगा, और बहुत बड़ा फ्लाइट भी है तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद इस तरह अच्छा लगता है, और एयर इंडिया भी अच्छा लगता है, ऑक्सीजन बैग था, हाँ मतलब चलेगा। लेकिन सबसे गंदा एक्सपीरियंस था मेरा स्पाइस जेट, बहुत गंदा एक्सपीरियंस। एक तो फ्लाइट भी छोटा था, और उसका विंडो भी ना पूरा स्क्रेचेस हो गया था, मतलब बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और बहुत बोरिंग फ्लाइट था। सबसे अच्छा फ्लाइट था एमिरेट्स। यस, मैं दुबई रिटर्न हूँ। फ्लाइट रनवे पे आ गया है, उसका टाइमिंग कितना था, 3:30, हाँ 3:25 था, और अभी ये हुआ 3:18। पुट्टू क्या कर रहे हो? जो मिलता है एक्चुअली कितना 25
45 रुपीज़ में यहाँ पे आपको पड़ेगा 100 रुपीज़ में। इससे अच्छा आप लोग बाहर से खरीद के ले आना। ये बहुत टेस्टी रहता है ये वाला। ये जो है मैं एक बार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री जूस मिला था, बहुत ही अम्मी लगता है मुझे। मुझे शायद मैंगो का ही मिला था और बहुत ही अम्मी लगता। इसका क्या प्राइस है? देख रहा है ये कॉमेडी शो। ये कौन है? रवि गुप्ता। रवि गुप्ता का कॉमेडी शो देख रहा है। मुझे तो बस ये अच्छा लगता है, क्या नाम उसका, फारूकी। इसको कोई टेंशन नहीं है, उसकी बीबी कहाँ गई क्या की। ये तो मैं कह रहा हूँ खड़ा रहता क्या, छोटी बच्ची हो क्या? यस आई एम। पेटू तो ये मोटू ही है, इसमें पॉसिबल नहीं। मोटू? यस। देख तो पेटू देख। So guys, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में जो है भुवनेश्वर ओडिशा। हम लोग हमारे होम टाउन आए हैं। सो गाइस हम लोग कैब ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग घर। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, जाके मैं खाना खाऊंगी, पता नहीं क्या बनाऊंगा, खा के सो जाएंगे। और फिर कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है घर आके। कितने दिन बाद आए? तीन महीने पहले आए थे फिर से आके। गाइस मैं ओड़ी खा गई हूँ। पानी पूरी देख के मुझे कैसे लग रहा है, मुझे पानी पूरी खानी है। पानी पूरी आपको नहीं लग रहा है? पानी पूरी खानी है, पानी पूरी, दही वाला, आलू दम और कुछ। हम लोग मिठाई ले रहे हैं, यहाँ का बहुत फेमस मिठाई है, इसको बोलते हैं पाड़ और रसगुल्ला। हम लोग ये ले रहे हैं घर के लिए मिठाई, ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि मम्मी डैडी को मना है मीठा खाने।
ये है उड़ीसा का फेमस निखिल छेना कोड़ो। ये उड़ीसा का फेमस छेना कोड़ो। यस, उड़ीसा का फेमस मीठा। टेंशन बजाती हूँ, मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। शांति होला। सो गाइस, कल सुबह हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 8 o'clock, क्योंकि हम लोग को भुवनेश्वर से 1 घंटा लगता है हमारे घर आने के लिए। आके बहुत दिन के बाद मिले तो ऐसे थोड़ा बात बात कि डिनर करके सो गई और ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। आपको किसी से मिलवाती हूँ लोगों को। डायना से पप्पू पम 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 Right.